राज्यसभा में कल किसान बिल पर वोटिंग के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज, 8 सांसद निलंबित। डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह सस्पेंड, कल डेरेक ओब्रायन ने फाड़ी थी रूल बुक। राजीव साटव, के रागेश, रिपुन वोरा भी सस्पेंड, डोरा सेन और एम करीम भी निलंबित। नजर हुसैन भी हुए सस्पेंड, सभी सांसद पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से हुए निलंबित। श्री डेरेक ओब्रायन, श्री संजय सिंह, श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, डोरा सेन, एलमारम करीम आर सस्पेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ वन वीक फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट सेशन। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कल जो हुआ वो बेहद दुखद, राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। वेंकैया नायडू ने विपक्षी सांसदों के बर्ताव पर जताई नाराजगी, कहा विपक्षी सांसदों का बर्ताव निंदनीय। Obstructing the business of the house, this is very unfortunate, it unacceptable and also condemnable. Speaker के action के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा, हंगामे की वजह से सदन हुआ स्थगित। उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दल का अविश्वास प्रस्ताव बेखारिज, 12 विपक्षी दलों ने दिया था अविश्वास का प्रस्ताव। राज्यसभा से पास हुआ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी, राज्यसभा में कल जमकर हुआ हंगामा। राज्यसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने दी बिल को लेकर सफाई, विपक्षकारों किसानों को बरगला रही है सरकार। कांग्रेस समेत विपक्ष ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी की। कृषि बिल को राहुल गांधी ने बताया काला कानून, कहा किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे पीएम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, कहा किसानों के लिए नहीं दलालों के लिए किया जा रहा है विरोध। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने पंजाबी में ट्वीट कर दी बधाई, भारतीय कृषि क्षेत्र के इतिहास का बड़ा दिन बताया। पीएम मोदी आज बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण, 14,258 करोड़ रुपए आएगी लागत। हाईवे प्रोजेक्ट्स के अलावा पीएम घर तक फाइबर प्रोजेक्ट परियोजना का करेंगे उद्घाटन। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। एलएसी पर विस्फोटक स्थिति को काबू में करने के लिए भारत और चीन के कमांडर्स के बीच छठी बार बातचीत शुरू, लद्दाख के चुशुल मोल्डो में हो रही है बैठक। बैठक में पहली बार 2 लेफ्टिनेंट जनरल हो रहे हैं शामिल, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। बैठक की अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में है सेना मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजीपी बैठक में मौजूद। बीती रात 1 बजे तक चली संसद की कार्यवाही, लोकसभा में गूंजा निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण के आरोप का मुद्दा। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष के साथ खड़े दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन, यौन शोषण पर कठोर कानून की मांग की, कहा ताकि हजार सपने लेकर मुंबई जाने वालों के साथ फिर ऐसा ना हो। यह अत्याचार नहीं होगा, एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। रवि किशन ने कहा फिल्म ही नहीं कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं भी महिलाओं और लड़कियों से दरिंदों को ना हो सौदेबाजी की छूट। ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बेटी नहीं है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज पुलिस से दर्ज कराएंगी शिकायत। पायल घोष के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं बेहद संगीन यौन शोषण के आरोप। कल पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था, फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम देने के एवज में उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की शर्त रखी थी। पायल के मुताबिक उनके इनकार पर अनुराग कश्यप ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो किसी तरह उनसे बचकर निकली। पायल ने पीएम मोदी को ट्वीट कर मांगा है इंसाफ। पायल घोष ने यह भी कहा कि अगर अनुराग कश्यप उनसे माफी मांगते तो शायद मैं माफ कर देती, लेकिन वो अब भी बहानेबाजी कर रहे हैं जो ज्यादा गंभीर है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सुशांत की मौत का उठाया मुद्दा, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के बदले कार्य कारोबार का रेगुलेटर बनाने पर की मांग। जितनी भी इंडस्ट्री उन सबों में रेगुलेटर है, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो।
निशिकांत दुबे ने कहा ड्रग्स का काला कारोबार महज फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं हायर सोसाइटीज और स्कूल कॉलेज में बना चुका है पेट। एनडीपीएस कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत। कोरोना काल में चौपट अर्थव्यवस्था के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया सुझाव फिल्म इंडस्ट्री को आगामी 3 साल तक विदेश में शूटिंग करने से रोका जाए। फिल्म इंडस्ट्री को आगे आने वाले 3 साल के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। रिया के मुताबिक सुशांत केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के वक्त ड्रग्स की लत के हुए शिकार। सूत्रों के हवाले से यह खबर एनसीबी की पूछताछ में रिया ने दी जानकारी। रिया के मुताबिक केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के वक्त सुशांत 10 से 20 डोप मैरुआना की लत के हो चुके थे शिकार। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर भी लगाए गंभीर आरोप। का केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ ही सुशांत ने पहली बार ड्रग का हाई डोज लिया। रिया के मुताबिक घर छोड़ते वक्त सुशांत से कहा आप ड्रग की लत के हैं शिकार और इससे उबरना नहीं चाहते। रिया ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग को सुशांत को छोड़ने की अहम वजह बताई। कहा सुशांत से किया था फाइनल ब्रेकअप। रिया के मुताबिक मीटू आरोप लगने के बाद सुशांत का ड्रग एडिक्शन बढ़ता ही गया और लॉकडाउन के दौरान इसमें और इजाफा हुआ। सुशांत और रिया ड्रग केस में आज एनसीबी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए किया तलब। समन भेजा, सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं श्रुति। एनसीबी ने जया साहा को भी भेजा समन। आज होगी पूछताछ। रिया से ड्रग चैटिंग को लेकर चर्चा में आई थी जया। सुशांत के विसरा रिपोर्ट पर होने वाली एम्स के डॉक्टर्स की बैठक कर ली। अब मंगलवार को होगी मीटिंग। सुशांत की बहन निराला नया वीडियो। आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाई है मोम की प्रतिमा। थाने सिटी भिवंडी में हादसा, 3 मंजिला इमारत जमीन दोज। हादसे में 10 की मौत, 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सुबह करीब 4 बजे इमारत का आधा हिस्सा गिरा। मलबे में अब तक 20 लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे से एक बच्चे को बचाया गया। टीडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। भिवंडी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया। यूपी में भ्रष्ट नाकाबिल पुलिस अफसरों पर एक्शन की तैयारी। 50 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी होंगे रिटायर। सूची तैयार करने में जुटी योगी सरकार। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने सभी जिलों में पुलिस कर्मियों को सूची भेजने के लिए कहा। राजधानी दिल्ली में चल रही बीजेपी की अहम बैठक। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, दिलीप घोष कर रहे बैठक। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता सरकार को चुनौती देने की योजना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक में टक्कर, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। देश में जारी है कोरोना का कहर, 54 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में 87,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा केस आए। देश में अब तक 6,36,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में 24 घंटे में किए गए रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट, 12 लाख से भी ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3800 से ज्यादा मरीज। कुल मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक दिन में 455 की मौत। पुणे में कोरोना संक्रमण का खौफ अभी बरकरार। 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज, 50 की मौत। कोरोना के दौर में आज का दिन ऐतिहासिक। सरकार की रियायत के बाद कल से कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल टला। बढ़ते संक्रमण की वजह से सीएम योगी ने लगाई रोक। यूपी में आज से पर्यटकों के लिए फिर खुला ताजमहल। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से था बंद। ताजमहल में एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। विंडो पर नहीं मिलेगा टिकट, सिर्फ ऑनलाइन होगी बुकिंग। ताजमहल में प्रवेश से पहले सभी पर्यटकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। ताजमहल परिसर में पार्किंग से लेकर किसी भी तरह का पेमेंट डिजिटल मोड में करना होगा, नहीं चलेगा कैश। ताजमहल के साथ आज से पर्यटकों के लिए आगरा का किला भी खुलेगा। आगरा का किला भी लॉकडाउन से था बंद। आगरा फोर्ट में एक दिन में सिर्फ 2,500 दर्शकों की छूट। यहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ख्याल। खरगोन पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 चोरों से बरामद की 15 चोरी की बाइक। बाइक की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। दिल्ली के तिलक नगर में एक बैंक के एटीएम में लगी आग, लाखों का कैश जलकर खाक। एटीएम की आग से 4 मंजिला इमारत आग की चपेट में आई। लोगों की सतर्कता से आग पर काबू। सीवान में शराब माफियाओं ने पुलिस पर बोला हमला, अवैध शराब भट्टी नष्ट करने पहुंची थी पुलिस।
इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर बदमाश, एटीएम काटकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर काली खोदने वाले कांग्रेस नेता बंटी पटेल गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8,000 का था इनाम। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापार से जुड़े दो लोग निकले बाइक चोर, आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। कानपुर में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, रेप की कोशिश में नाकाम आरोपी ने चाकू से किया हमला। 15 दिन पहले आरोपी ने सड़क पर नाबालिग को पकड़ा था, दारू से नहलाया, विरोध करने पर पीटा। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं, 15 दिन से फरार है आरोपी। अमेठी में एक युवक की गोली मारकर हत्या, तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती। इंदौर में नाले में फंसी कार, चार लोगों को बचाया, वीडियो वायरल। आईपीएल में कल खेला गया दूसरा मुकाबला, बेहद रोमांचक। दिल्ली कैपिटल ने सुपर ओवर में पंजाब पर हासिल की जीत, पंजाब ने बनाए थे 2 रन, 4 गेंद बाकी रहते, दिल्ली ने जीता मुकाबला। दिल्ली कैपिटल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 157 रन, 8 खिलाड़ी हुए थे आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 157 रन ही बनाए, पंजाब ने भी कोई 8 विकेट, मैच हुआ टाई। पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने की धुआंधार बल्लेबाजी, 60 गेंद पर 89 रन। मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के जड़े, लेकिन किंग्स 11 को जीत नहीं दिला सके। दिल्ली की ओर से स्टोनिश ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन, महज 21 गेंदों की पारी में 4 चौके 3 चक्के जड़े, बाद में 2 विकेट झटक कर मैच को कराया टाई, बने मैन ऑफ द मैच। दिल्ली की ओर से अय्यर ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। पंजाब की ओर से मोहम्मद शमी ने की तूफानी गेंदबाजी, 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर दिल्ली के 3 विकेट झटके। दिल्ली की ओर से आर अश्विन रहे बेहद किफायती, 1 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट झटके। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होगी टक्कर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।